जब भी अगर अपन देखते हैं कि भी गांठ बन गई है बच्चेदानी के अंदर, तो गांठ का दवाई से कोई इलाज नहीं है, सही है। और गांठ का होता है सर्जरी से इलाज। अब सर्जरी के दो तरीके के हो सकते हैं, सिर्फ गांठ निकाली जाए या केवल बच्चेदानी निकाल दी जाए। अच्छा केवल गांठ निकाली जाए तो जैसे आज बच्चेदानी में गांठ बनी है तो दोबारा भी गांठ बनने की संभावना हो सकती है, अच्छा क्योंकि अपन दूसरी गांठ ना बने उसकी कोई रोकथाम नहीं है हमारे पास, ना ऐसे कोई कारण की जानकारी कि जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि भी गांठ क्यों बन जाती है दोबारा, या मेरी गांठ क्यों बनी, तो उसका एस सच कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है कि भैया जैसे अपन ये कहते हैं चीनी खाने से शुगर हो गई, लेकिन वो खैर वो भी नहीं होती है। बट गांठ बनने का जैसे जेनेटिक हो सकता है, या फिर जैसे घर में किसी को ऑलरेडी पहले हुई तो वही जेनेटिक हो गया, या कई बार किसी का, हाँ लेकिन एक एक कारण है, जैसे हो सकता है कि किसी का खाने पीने की वजह से बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसे कोई खाना पीना भी नहीं होता जिससे ये गांठ बनती हो, तब बनती है जिसके बनती है हाँ बराबर। खैर वो हाँ, तो है। अच्छा और अगर अपन इस गांठ को निकाल देते हैं तो दोबारा गांठ नहीं बनेगी, उसका हमारे पास कोई रोकथाम नहीं है। तो अगर हम बच्चेदानी पूरी निकाल देते हैं तो फिर बीमारी जड़ से खत्म हो जड़ जाती से है भाई, खत्म बात फिर कौन। फिर तो भाई यूट्रस ही नहीं है आपके पास तो यूट्रस की बीमारियां कैसे होंगी भाई, पेड़ ही नहीं है पेड़ पे फल कहाँ से लगेंगे, वो डिसीजन आपको लेना है। अगर हम यूट्रस निकाल देते हैं तो आज की तारीख में आपको ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, पेन बंद हो जाएगा, आगे की जो भी समस्याएं बच्चेदानी से होने वाली है वो खत्म हो जाएगी। अगर यानी इसमें पीठ में जो दर्द है हो सकता है ये भी उसी वजह से हो रहा हाँ है, हाँ इसी की वजह से है, ये जो रीढ़ की हड्डी हाँ रीढ़ की वाली। हड्डी में, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे पीछे की जो नसें वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे ये गांठ ये है ना सारी, ये इन्वॉल्व हो जाती है, इसकी वजह से जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है तो सेंसेशंस नर्व्स हाँ वहीं वो से आ रही है बैंड ना, बैंड सा आ जाता है वो उसमें। नर्व वहीं से आ रही है ना, तो सारा पेन वहां जाता है, वहां जाता है नीचे थाइस के अंदर, जैसे पैरों के अंदर जांघों के अंदर हाँ ये जाता मेरा है, दर्द तो है हम इस वजह समझते से हैं। ही था। हो सकता है मतलब जनरली 99% इससे आराम आ जाता है, क्योंकि आपको एक साइड जो दर्द हो रहा है ना, जो अंदर डाला प्रोब उसमें दर्द हो रहा था आपको, तो वो दर्द जनरली इसमें एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे खून के क्लॉट्स इधर उधर जमा हो जाते हैं, जैसे आते वाते सब आपस में चिपक जाती है, नसें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो पेन क्रिएट करती है। तो जब हम इसको निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सोर्स ऑफ पेन खत्म हो जाएगा, जहां से आपको दर्द मतलब ओरिजिन हो रहा है, जहां से बन रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो आपको आराम आ तो जाएगा। अपने यहाँ हो जाएगा ना। हाँ हाँ यहाँ हो जाएगा, दूरबीन से हो जाएगा, एक दिन में छुट्टी हो जाएगी, पर ये कुछ नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा ऑपरेशन चलो का। कोई ये डरते हैं इसलिए कोई दिक्कत ना ना नहीं। देखो डरना किस बात का है, आप मुझे ये बताओ कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मैं उसका जवाब दे दूंगी आपको, भाई डर मुझे इस बात का है बताओ, भाई जो हम समझते हैं उसमें तो ये आता है भैया तो दर्द, भाई मरीज को ये लगता है हाँ कि मेरे को ऑपरेशन के टाइम पे दर्द होगा, सही है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा तो दर्द कैसे होगा, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में होता है। दूसरा ये सोचते हैं कि मुझे पता नहीं 3-4 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो उसका भी जवाब एक ही दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। तीसरा कहते हैं भाई चीरा लगेगा और उसमें दर्द होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, तो चीरा लगेगा ही नहीं, 3 छेद बना के ऑपरेशन होता है अच्छा और एक दिन में अस्पताल से फिर छुट्टी हो दोबारा जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की, है ना। ना ना कोई दिक्कत नहीं, 100% इलाज है, और सबसे अच्छी बात है कि आपका दर्द जिंदगी से हमेशा के हाँ लिए चला जाएगा, हमेशा सही महीने है, की दिक्कत हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर उससे बच्चेदारी कोई से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हटा भी दो तो उससे तो बच्चेदारी फायदे बता रही हूँ ना, नुकसान क्या है। यही तो ना बच्चेदानी से कोई बिजनेस हार्मोन नहीं बनता तो हार्मोन की कोई समस्या नहीं है, हार्मोन जो आपकी बॉडी में बनने हैं वही बनने हैं भाई, जो 3-4 जो जो हमें समस्या। मरीज पूछते हैं वो यही है, आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो सही मुझे बात है। बताओ, उसका मैं जवाब दे दूंगा आपको, क्योंकि मुझे इस बात का स्पेसिफिक जवाब चाहिए, ये मेरी क्वेरी क्लियर करो आप, वो पूछो आप। डर यही है कि बच्चे नॉर्मल थे ना तो कभी डॉक्टर से मतलब इतना वो नहीं डॉक्टर तो आपकी बीमारी दूर रहता। कर रहा है ना, लेकिन हम तो साफ कह रहे हैं भाई गांठ अगर निकलवाओगे तो दोबारा बनेगी, गांठ नहीं निकलो केवल पूरा बच्चेदानी निकाल देते हो तो फिर कुछ नहीं बनेगा, फिर बच्चेदानी से रिलेटेड सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो बात तो वही हो, तो तो उसमें भी ये वही कितने टाइम है मतलब वो अभी भी। करवाना पड़ेगा क्या, इसको पाल पोस के बड़ा करना चाहते हो सही आप, अपना खून पिला के इसे बड़ा करो, हम खून चढ़ा के निकाल देंगे भाई, बात आ 3 सेंटीमीटर है, 1 महीने बाद करोगे 4 की होगी, फिर 5 की होगी, 6 की होगी, फिर जितनी बड़ी होगी उतना टाइम है। हाँ लगेगा, उतना ही लगेगा, उतना ही खून कम हो जाएगा, सही बात है। फिर उतना ही में खून चढ़ाना पड़ेगा, फिर उतनी सर्जरी की रिस्क बढ़ जाएगी, सर्जरी का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो सभी कुछ इसका क्या प्रॉब्लम रहेगा हो क्या। जाएगा। तो देखो एक डॉक्टर से इंसान क्या चाहता है कि उसको सर्जरी का पता ना चले, सर्जरी में दौरान दर्द ना हो, सर्जरी के बाद भी पेन नहीं हो, मुझे भूखा ज्यादा नहीं रखा जाए तो हम 4 घंटे के बाद आपको चाय पानी दे देते हैं और सही है। दूसरे हाँ दिन सुबह छुट्टी कर देते हैं, तो एक दिन भी पूरा अस्पताल में नहीं रखते हैं खैर सही हो। और बाद में हम कोई परहेज नहीं बताते हैं, सीढ़ी उतरना चढ़ना नीचे बैठना नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ चालू रहता है।